हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 जलवायु का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर नंबर 23 में आज हमने लिया है भारत में पाए जाने वाले 4 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और उसके बाद जो आती है शरद ऋतु। तो आज के हमारे 23वें लेक्चर में मात्र 2 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत की जलवायु असमान है और हमारे भारत की जलवायु की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ वर्ष भर ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। पहले शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु और फिर उसके बाद शरद ऋतु का क्रम आता है। प्रत्येक ऋतु को हमारे भारत में लगभग 3 महीने की ऋतु माना गया है। तो इसमें ध्यान से समझें, सबसे पहले है शीत ऋतु। देखिए, इसको सुनने समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 ऋतुएं हैं इनको जानना अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइयो बच्चों, इसको शुरू करते हैं। शीत ऋतु सबसे पहली ऋतु मानी गई है जो मध्य नवंबर से लेकर मध्य मार्च तक चलती है, यानी लगभग 15 नवंबर से 15 दिसंबर, यहाँ आएगा दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक इसका समय माना गया है, लगभग 3 महीने। जब उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है और यहाँ औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। उत्तरी भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे सर्द महीने माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इन दोनों महीनों में सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। भारत के अधिकतर भाग शीत ऋतु में शुष्क रहते हैं। हमारे भारत की जो शीत ऋतु है उसकी ये पहचान है कि हमारे यहाँ शीत ऋतु में चलने वाली जो पवने होती हैं वो शुष्क होती हैं, उनमें आर्द्रता नहीं होती, और यही कारण है कि हमारे यहाँ शरद ऋतु में अर्थात शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। यदि होती है तो लौटते हुए मान चक्रवातों या पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। हालांकि उत्तरी पश्चिमी भारत में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वहाँ चक्रवातों से जो फारस की खाड़ी पार कर करके यहाँ पर प्रवेश करते हैं वहाँ उन क्षेत्रों में हल्की वर्षा कराते हैं। इन चक्रवातों को भारत तक लाने में जेट धाराएं मदद करती हैं। अब सवाल ये आता है बच्चों कि चक्रवात क्या है। साधारण शब्दों में चक्करदार हवाओं को चक्रवात कह देते हैं, ठीक है, चक्रदार हवाओं को चक्रवात कह देते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसके निम्न अर्थात जिसके अंदर वाले भाग में पवने गर्म और उसके चारों तरफ ठंडी पवने पाई जाती हैं। उच्च वायुदाब राशियां निम्न वायुदाब क्षेत्र को घेरने के लिए चक्कर लगाने शुरू कर देती हैं, यही स्थिति चक्रवात कहलाती है। तो आइए आगे बढ़ें। उस समय सतलुज मैदान में तो वर्षा होती है परंतु हिमालय के जो पर्वतीय भाग होते हैं उन पर्वतीय भागों में शुष्क पवने चला करती हैं, जो उन भागों में वर्षा नहीं होती, अर्थात उन दिनों वहाँ हिमपात होता है, अर्थात बर्फ की बहुत मोटी चादर वहाँ बिछी जाती है, वर्षा होती है, इससे तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, गिर जाता है, और वहाँ आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर चल पड़ती है, ठीक है। इसके आगे जो दूसरी ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। जो हमारे भारत के बीच बीच कर्क रेखा गुजर रही है वो कर्क रेखा हमारे भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। उस कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है और उससे जो दक्षिण वाला भाग है वो
उष्ण कटिबंध में आता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, उत्तर की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो इस ऋतु में सूर्य की उत्तर की ओर आवासी गति से के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें भी मध्य मार्च से मध्य मई तक माना है, यानी लगभग 15 मार्च से 15 मई तक का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत माना गया है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का जो तापमान है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन मई में पेज पलट लें दूसरी तरफ, ध्यान दें आगे मैं पलट रहा हूँ, मई में देश के जो उत्तरी पश्चिमी भाग होते हैं उन भागों का जो तापमान है वो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये 35 डिग्री सेल्सियस का है, ये तापमान को मापने की इकाई है। ठीक है बच्चों, ये जो 45 के ऊपर जीरो लगा हुआ है इसको, ये डिग्री का चिन्ह है, सेल्सियस को पूरा भी लिख देते हैं अन्यथा कहीं कहीं सी भी बना देते हैं, इसका मतलब होता है सेल्सियस। ठीक, तापमान को दो इकाइयों में मापा जाता है, फारेनहाइट और सेल्सियस। तो यहाँ हम जो अध्ययन कर रहे हैं इसमें सेल्सियस शब्द बोल रहे हैं। परंतु प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान प्राय कम होता है। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी गर्म और शुष्क पवने चला करती हैं जो दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। हम इन उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म पवनों को लू पुकारते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लू। लू किसे कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी भागों में चलने वाली गर्म पवने लू कहलाती है। ठीक है, ये कभी कभी देर शाम तक भी जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है बच्चों। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। ठीक है, और इसके साथ प्राय कभी कभी हिमवृष्टि भी हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं अपनी भाषा में ओला वृष्टि, यानी ओले बढ़ जाते हैं। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैसाख के महीने में ये हिमवृष्टि जो होती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में इस आम्रवृष्टि को, मतलब ओले वृष्टि को, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक में एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा करती है। ठीक, इसके कारण आम जल्दी तक पक जाते हैं, इसीलिए इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसको आम्र वर्षा के नाम से पुकारा जाता है। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में इससे केवा फसल को काफी लाभ पहुंचता है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में बहुत मदद मिलती है। तो आज इतना ही। आज आपको भारत में पाई जाने वाली दो प्रमुख ऋतुओं के बारे में बताया गया है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद दो जो शेष ऋतु बची हैं, कौन सी? वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इनके बारे में कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।